हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्सो पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के एक बेहतरीन स्मार्टफोन, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि रियलमी के एक बेहतरीन बजट स्मार्टफोन के बारे में। जो एक बजट स्मार्टफोन है जिसकी जो प्राइस रेंज है वो 6,500 से 7,000 के बीच में है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि यह स्मार्टफोन आपको 6,999 रुपये का मिल जाएगा। तो यह जो स्मार्टफोन है यह है Realme C2 का बेहतरीन स्मार्टफोन, डायमंड ब्लैक। इसके अलावा भी यह कई सारे वेरिएंट्स में आता है, लेकिन अभी हम खाली डायमंड ब्लैक को हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इस स्मार्टफोन की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या फीचर्स क्वालिटी है, इस वीडियो में हम जानेंगे और उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो यह जो स्मार्टफोन है यह Realme का एक बजट स्मार्टफोन है। तो इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.1 इंच की HD स्क्रीन मिलती है। इसके फ्रंट साइड की जो स्क्रीन है वो 6.1 इंच की HD स्क्रीन है, ओके। प्लस इसकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो 1560x720 पिक्सल रिजोल्यूशन है, मतलब 282.22 PPI पिक्सल डेंसिटी है, ओके। हम अगर इसको बैक साइड से इस स्मार्टफोन को देखें तो बैक साइड में इसमें आपको दो कैमरा दिए जाते हैं। जो पहला कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकंड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। जस्ट उसके साइड में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। बैक साइड से अगर हम देखें तो बैक साइड के लेफ्ट में, या फिर कह सकते हैं कि फ्रंट के लेफ्ट साइड में आपको पावर अप एंड डाउन पावर बटन मिलता है इसके राइट साइड में, और फ्रंट के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिलते हैं। और ये जो स्मार्टफोन आता है यह डायमंड लुक में आता है, मतलब डायमंड लुक कहने का मतलब मेरा ये है कि यह डायमंड कट लुक में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड में डायमंड कट दिए हुए हैं और यह रफ प्लास्टिक में आता है, ओके। अगर हम इस स्मार्टफोन को साइड से देखें तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। जस्ट इनके ऊपर सिम ट्री टूल्स मिलता है जिसमें आप बड़े आराम से 2 सिम डाल सकते हैं, प्लस एक स्टोरेज डिवाइस के लिए एक आप चिप का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एक नॉच के रूप में दिया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि फ्रंट में आपको एक सेल्फी नॉच मिलती है। यह स्मार्टफोन अपने आप में काफ़ी पतला है, ओके। अगर हम इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यह एक बजट स्मार्टफोन है। उस हिसाब से अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो वो बेस्ट है। इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। इस स्मार्टफोन में आपको 2.0 GHz का MediaTek P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया जाता है। कैमरा क्वालिटी मैंने आपको बताया कि पहला जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, एंड सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। अगर हम इस स्मार्टफोन की मेमोरी स्टोरेज की बात करें, जो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो इसकी जो मेमोरी स्टोरेज है वो है 16 GB। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है, मॉडल नेम्स Realme का C2 है, ब्रांड Realme। अब हम इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में देखते हैं। इसमें आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ और वाईफाई मिलता है। कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको GSM, 4G, 3G, 2G, वोल्ट, LTE सारे सपोर्ट मिलते हैं। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल। इसके जो फ्रंट में जो नॉच कैमरा मैंने आपको दिखाया था, ये नॉच कैमरा
ये जो नॉच कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का नॉच कैमरा है। इस आइटम की अगर हम वेट क्वालिटी की बात करें तो यह स्मार्टफोन 166 ग्राम का है जो कि काफ़ी हल्का है। इसकी अगर हम कस्टमर रेटिंग की बात करें तो इसकी जो कस्टमर रेटिंग है वो है 4.1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। ये स्मार्टफोन अगर हम कहें तो यह एक बजट स्मार्टफोन है और एक क्वालिटी स्मार्टफोन भी है। अब हम इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें एक नज़र में जानते हैं या एक नज़र में देखते हैं। इस स्मार्टफोन के साथ में आपको डायमंड कट डिज़ाइन मिलती है, ट्रिपल स्लॉट विथ डुअल 4G वोल्ट के साथ में आपको इसमें मिलती है। इन ट्रिपल स्लॉट में 2 सिम स्लॉट हैं और एक स्टोरेज डिवाइस के स्टोरेज के लिए चिप स्लॉट है। ओके, इसमें आपको जो और अच्छी बात है, इसमें आपको AI फेसिंग अनलॉक भी मिलता है, मतलब आप अपने फ़ोन को बस देख के ही खोल सकते हैं। ओके, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस बजट स्मार्टफोन के लिए। बैक साइड में आपको कोने में Realme की ब्रांडिंग मिलती है। इसमें आपको Android 9.0 मिलता है। इस स्मार्टफोन से आप 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके साथ में जो प्रोसेसर मिलता है वो 8-कोर प्रोसेसर विथ 2.0 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। बैटरी 4000 mAh की बिग बैटरी मिलती है। स्क्रीन साइज 6.1 इंच की मस्त HD डिस्प्ले है। बैक साइड में जो कैमरा है उनमें से 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के डुअल रियल कैमरा मिलते हैं। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। तो यह थी इस स्मार्टफोन की काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी फीचर्स। प्राइस मैंने आपको बताया ही है कि 6.5 से 7 हज़ार की रेंज में आपको यह बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बेहतरीन गैजेट्स के साथ में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।